इसका मतलब हुआ आपको सबसे पहले 3x को 2x के साथ गुना करें, फिर इसी 3x को 5y के साथ गुना करें। पहले साइन सारा प्लस में है, यानी प्लस प्लस हमेशा प्लस हो जाएगा, तो पहले 2x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, 3 टू जा 6 आएगा, और जब x और x मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। इसके बाद पहला टर्म हो गया मेरा, अब हम 3x को 5y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस और प्लस गुना होके प्लस बनेगा, और जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 एंड 5 गुना करो 15 आएगा, x एंड y बन जाएगा एक्स वाई, और ये आंसर। लेकिन अगर मान लो यही होता 3x इंटू 2x माइनस 5y, अगर ऐसा होता तब क्या होता, इसी तरह से गुना करते हैं, पहले इसको हम लोग 2x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, प्लस 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 आएगा, 3 टू जा 6 आएगा, और x एंड x गुना होके x स्क्वायर आएगा। इसके बाद हम लोग इस 3x को माइनस 5y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस आएगा, 3 और 5 मल्टीप्लाई होगा तो 15 आएगा, x और y एक्स वाई आएगा, ये दोनों में डिफरेंस है। अगर मान लो यही कुछ ऐसा होता कि माइनस 3x को आप मल्टीप्लाई कीजिए 2x माइनस 5y में, तो ध्यान दें अब हम लोगों को गुना वैसे ही करना है, लेकिन साइन थोड़ा सा अलग आया है। अब हमें माइनस 3 और 2x को पहले जब गुना करेंगे, तो क्योंकि इसका साइन माइनस में है और इसका साइन प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस 3 टू जा 6 एक्स एंड एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5y के साथ। अब बताओ माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, प्लस 3 एंड 5 15 एक्स एंड वाई एक्स वाई।